हेलो गाइस, मैं पूजा गुप्ता आप लोगों का अगेन वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और सब लोग इधर नहाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग जगे हैं, कुछ लोग नहीं जगे हैं। मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में है आज दुर्गा की पूजा, तो पहले वहाँ जाऊँगी, फिर उसके बाद है फंक्शन हल्दी धान, फिर उसके बाद है मेहंदी। तो आज का वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और इंजॉय करिएगा। सब लोग गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। निकल चुकी हूँ अभी मैं ससुराल जाने के लिए, क्योंकि ससुराल में ही है दुर्दुरिया की पूजा। तो दुर्दुरिया की पूजा आई थिंक 1-2 घंटे लग जाएंगे, तो उसके बाद मुझे निकलना है हल्दी धान के लिए। सो कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी वो पूजा कंप्लीट हो, उसके बाद फिर मैं निकलूं वहां के लिए हल्दी धान के दर्शन के लिए। तो यहां पे सारे लोग आ गए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं पूजा में बैठने। चले दिखाते हो कौन कौन आया है। हम लोग आए हैं दुर्दुरिया पूजा में और दीदी है यहाँ पर, वो बताएगी आपको सारा डिटेल में कि दुर्दुरिया पूजा क्यों होता है और कितनी लेडीज होती हैं। बता दीदी। हम लोग पूजा में आए हैं, यहाँ 14 सुहागी रहती हैं और हम लोग पूजा करते हैं। जो मानता मानते हैं उसको हमारा जब पूर्ण हो जाता है, इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं हर समय। अवसान नैया जय हो। जय। और इसमें क्या क्या लगता है दीदी? इसमें लगता है फूल, चना, दाना भी लगता है, फूल माला, घी, अगरबत्ती, सिंदूर, हर एक चीज़। अच्छा है। ठीक, तो आप लोग समझ गए क्यों होता है पूजा। और ये देखिए, जैसा दीदी ने बोला, फूल, दाना, चना, बर्फ़ी, ये सारी चीज़ें सामग्री यहाँ पे रखी हुई है। ये पान का कहाँ गया, पान का पत्ता यहाँ पर है और ये गुड़ में घी मिलाया गया है दोनों में। तो हम और मेरी देवरानी दोनों लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों लोग पूजा में बैठे हैं। सो यहाँ पर पहले माता रानी का गाना हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों ने माता रानी को सिंदूर से टीका, और उसके बाद जो भी लेडीज़ थी, जो भी सुहागन लेडीज़ हैं, उनको हम लोगों ने सिंदूर और उसी सिंदूर से बिंदी भी लगाई। और ये जो लेडी हैं, ये मेरी मामी जी हैं। उसके बाद ऐसे ही सारी सुहागन लेडीज़ को हमने सिंदूर लगाया, हम और मेरी देवरानी। आधे लोग को देवरानी ने लगाया, आधे लोग को अपने, और अब मैं खुद को लगा रही हूँ। इसके बाद एक अम्मा है जिन्होंने कथा कही दुर्दुरिया माता की। हम ऐसे कहें ना, मतलब कि तो ऐसे दुई खान के मतलब आशीर्वाद दिया कि राजा अपना शिव के बैठे, लेकिन बहू लेके निकली तो ऐसे कहीं जा। तो यहाँ पे हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी है और जो भी प्रसाद हम लोग को अपने आंचल में मिला था उसको हम लोगों ने रखा एक पॉलीथीन में। उसके बाद माता रानी को हम लोगों ने जिस बेडशीट पे माता रानी की पूजा हुई थी, जिस फर्श पे रखा हुआ है, उसको थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए, ये कहा जाता है कि माता रानी का पैर दबाना होता है, तो वो हम लोगों ने उनको मनाया और हमने ये कहा कि हमारा सुहाग हमेशा हमारे साथ हो। उसके बाद हम और मेरी देवरानी ने सब के पैर छुए और सबके बहुत नोटी नोटी से आशीर्वाद थे, जिन पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। सो सारी लेडीज़ और हम लोगों ने पूजा को बहुत ही अच्छे से पूरा किया और बहुत अच्छा लगा पूजा में। सो गाइज, अब मैं घर वापस आ गई हूँ और यहाँ सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसमें बना है आलू की अच्छी वाली सब्जी और सादी वाली पूड़ी। तो सब लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खा लिया है। जिसको घूमने जाना था, जैसे कि गुड़िया दीदी, वो चली गई अपनी फैमिली के साथ घूमने, और बचे हम, मेरे हस्बैंड और पापा मेरे, और मेरी मामी और मेरी माँ। हम 5 बैठ के अभी खाएँगे, भैया गर्म गर्म पूड़ियाँ निकाल रहे हैं। तो ये रही आज गाइस, यहाँ पे हम सब रेडी हो गए हैं और बस सामान रखा जा रहा है। रिकी का जो भी सामान है वो सारा भी रख उठे, तो फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे रिकी के घर हल्दी धान का फंक्शन करने के लिए। तो आपको मैं मिलती हूँ रिकी के घर पर। सो चलिए मैं मिलाती हूँ रिकी की फैमिली से। तो ये है हमारे नाना जी और नानी जी हैं रिकी के, और डॉक्टर साहब से तो आप लोग मिले हैं, रिकी के जीजा जी हैं, और बाकी लेडीज़ से आपको मिलाते हैं। रिकी से मिलवाऊंगी शादी वाले दिन। तो ये रिकी की मामी, रिकी की मम्मी, रिकी की प्यारी सी बहन,
और बाकी लोग को नहीं जानती, नहीं वो उधर वो भी रिकी की बहन है, और ये बुआ जी है, रिकी की मासी है, रिकी की मासी और आंटी बुआ नहीं है, बुआ कहाँ है, वो भी मासी है। अच्छा मासी है दोनों, वो अंदर चाची बैठी हुई है, तो आंटी मिलवा रही है, ये आंटी हैं और ये भैया, भैया भैया रुको ना, ये बड़े भाई हैं रिकी के, और ये मामी के छोटे वाले लड़के। ठीक, शादी होने वाली है तो भाव नहीं दे रहे हो हैं, ये अखंड और बाकी तो सबसे मिलिए, ये चोनू मोनू है जो अपने में व्यस्त है, ये प्यारी सी बच्ची है, तो चलो फंक्शन शुरू करते हैं, चलो फंक्शन शुरू करते हैं हम लोग। हाँ। यहाँ पे हल्दी धान की रस्म शुरू हो गई है, जो लड़की की तरफ से गया था हल्दी और धान और गमछा, ये पीला गमछा जो है लड़की की तरफ से गया था, जो कि नाना जी को पंडित जी पहना रहे हैं, और जो रेड कलर का गमछा पहना है डॉक्टर साहब ने, वो लड़के की तरफ से आया था। तो हल्दी धान हमारे बनारस की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये रस्म हम लोगों ने भी किया, और क्योंकि मेरी माँ बनारस से बिलोंग करती है, उसके बाद पंडित जी ने जो धान था वो ऐसे क्रॉस में जैसे लड़की वाले का धान लड़की वाले को दिया और लड़के वाले का धान लड़की वाले को दिया, इससे ये होता है कि आज मेरी की आज से आपकी अमानत है। तो ये रिचुअल होने के बाद थोड़ा सा सब इमोशनल हो गए थे, जो कि वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फंक्शन ख़त्म होने के बाद डॉक्टर साहब और नाना जी गले मिले, उसके बाद मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, कि मतलब मेरी बच्ची पे मेरा वो अधिकार, वो डांट मैं नहीं डांट पाऊँगी, ऐसा मैं मतलब मेरे को फीलिंग आ रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब इतने दिन बचपन से साथ रहे और वो चली जाएगी किसी और के घर, तो फिर मेरे को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हुआ और मैं रोने लगी। तो फिर वहाँ पर जो पीला कलर का शर्ट पहना है अखंड है, वो दीदी का काजल का देवर, उसने मुझे हंसाने की कोशिश की कि दीदी रो नहीं, आपका मेकअप धुल जाएगा, बट जो फीलिंग होती है वो तो आप लोग जानते हैं गाइस, बहुत बुरा लगता है। सो गाइस, हल्दी धान फंक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, करने जा रहे हैं, और सब लोग खुश हैं। मेरी बहन आपकी हो गई, बहुत टफ होता है लड़की वालों के लिए, लड़के वाले तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनके घर बहू आती है, लेकिन हम लोगों से पूछो हमारे घर की बेटी जाती है। हाँ करते हैं ना, आप नाश्ता करते हैं उसके बाद डांस होगा। सो आज है मेहंदी का फंक्शन, तो जो रिकी को मेहंदी लगेगी उसी कौन से काजल को मेहंदी लगेगी, तो अभी मैं जा रही हूँ रिकी को मेहंदी लगाने, और फिर इस कौन को मैं साथ लेकर जाऊंगी। क्या लिखे जी? तो मैंने काजल का पहला अक्षर के लिख दिया है, बाकी ये सिस्टर का, तो ये सिस्टर का हक होता है, वो मेहंदी लगाएगी अपने भाई को बहुत प्यार से, और तो ये हक मैं उसको देती हूँ, और रसम के लिए मैंने ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है मेहंदी, जो कि आपको सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा, तो जल्दी से जाइए इस वीडियो को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, और इसके बाद मेहंदी का फंक्शन देखना मत भूलिएगा, और मेरी सिस्टर को बहुत 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 सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि वो अपनी लाइफ में, अपनी नई लाइफ में अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाए। बाय बाय गाइस।